गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तत्समीप के तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्य बाह्यतः। चलते हुए, बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर अथवा अंदर रहने पर गुरु नाम का यह महामंत्र पूरी सामर्थ्य से रक्षा करता है। दूरी, निकटता, आंतरिकता और बाहर का पूरा जगत, कुछ भी हो अर्थात जगत का फैलाव किसी भी तल पर, किसी भी आयाम पर, किसी भी तरह से हो, गुरु नाम का ये जो महामंत्र है ये हमारी हमेशा पूरी सामर्थ्य से रक्षा करता है। सूत्र कह रहा है रक्षा। रक्षा हम क्या चाहते हैं? रक्षा का तात्पर्य ये नहीं होता कि हमारी हर छोटी से छोटी बात का कोई इंश्योरेंस हो रहा है। जैसे रक्षा शब्द आ जाता है तो हम अक्सर उसको इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देख लेते हैं। हमारे पैसे की रक्षा होगी, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होगी, हमारे भोजन की रक्षा होगी, हर चीज के मानते रक्षा इंश्योरेंस हो जाएगा। जैसे कि अध्यात्म इंश्योरेंस नहीं है। अध्यात्म सारी असुरक्षा का स्वीकार है और असुरक्षा अनिश्चितता का सामना करने की सामर्थ्य और शक्ति है। सबसे बड़ी रक्षा क्या है अगर किसी से पूछे? सबसे बड़ी रक्षा यही है कि हम सामर्थ्यवान बन जाएं, शक्तिशाली बन जाएं, और किसी रक्षा की जरूरत नहीं। मान लो हम बार बार बीमार ही पड़ते हैं तो हमारे शरीर के लिए सबसे रक्षात्मक उपाय क्या है? कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई वैक्सीन, या हमारे ही शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का सशक्त हो जाना। हमारा शरीर ही इतना सशक्त हो गया कि तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस, तमाम तरह के इन्फेक्शन, उन सब सबको वो हैंडल कर लेता है, उनसे मुश्किल में नहीं पड़ता। इसी तरह से जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां अपने ढंग से ही आगे जाएंगी, लेकिन अगर हम अपने भीतर समझ से भरे होंगे, बोध से भरे होंगे, शांति से भरे होंगे तो हमारी रक्षा होगी। गुरु नाम का मंत्र, यहां पर फिर उसी बात को ध्यान रखेंगे, किसी व्यक्तिगत गुरु के नाम का जपना नहीं, गुरु शब्द को ही ध्यान में रखेंगे जो हमारे भीतर ज्ञान के आलोक को लाने वाली घटना है, उसका होना, अर्थात हमेशा हमारे विवेक का जागृत रहना, हमारे भीतर एक ऐसी लपट का जीवंत बने रहना जो सब कुछ हमें साफ साफ दिखाने की सामर्थ्य रखती है, वही रक्षा है। उसी से रक्षा होगी। और गुरु नाम का मंत्र नाम की व्यर्थता का बोध भी है। तो इन दोनों बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो सूत्र कहता है पूरी सामर्थ्य से वो हमारी रक्षा करता है। सामर्थ्य यही है कि हम सामर्थ्यशाली हो जाते हैं, शरीर से, मन से, भावना से, अपने अंतरतम के गहरे से गहरे अनजाने अनछुए पहलुओं तक हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने भीतर आलोकित है, जिसके भीतर बोध का दिया जल रहा है, सचेतन है, वो रक्षा की परवाह ही नहीं करता, क्योंकि असुरक्षा अनिश्चितता के साथ अब वो खेल सकता है, प्लेफुल हो सकता है। और जो व्यक्ति असुरक्षा और अनिश्चितता के साथ प्लेफुल हो सके उसको किसी रक्षा की आवश्यकता कहाँ रह जाती, अर्थात वो हमेशा सुरक्षित ही है अनेक अनेक आयामों में, लेकिन उस तरह से रक्षित नहीं है जैसे हम कल्पना करते हैं। हम रक्षा की कल्पना बड़ी सीमित करते हैं और वो हमको बांधने वाली होती है। पानी बरसे, छाता आ जाए, वो रक्षा हुई। पानी बरसे और हम बरसने में बीमार न पड़े, उस वर्षा का हम आनंद ले सकें, उसमें हम घूम सकें, वर्षा में स्नान कर सकें, वर्षा में हम उत्सवपूर्ण हो सकें, ये रक्षा है। ना कि बारिश हुई हम छाता लेके खड़े हो गए,
तो हमने तो उसको जाना नहीं। जीवन में संकट ना आए ये बात नहीं, आए संकट लेकिन हर संकट हमको निखार के जाए। जीवन में ऐसा नहीं कोई आपदा ना आए, हर आपदा हमको पहले से अधिक सशक्त समझदार बनाकर जाए, तब रक्षा हुई। तो रक्षा के जो अर्थ है उनको भी हमें व्यापक जब करके देखने की क्षमता आती है तभी ये बात समझ में आती कि रक्षा सचमुच में किस प्रकार हमारी होगी, और वो इसी तरह से होगी और कोई उसका ढंग नहीं है। Thank you.